नमस्कार सभी को। मैं मत्तु केवट, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए कक्षा छठी विषय इतिहास के अंतर्गत देखिए पाठ क्रमांक 8 है मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य। तो इसके अंतर्गत देखिए पाठ के पहले में ही ये नक्शा दिया गया है, मानचित्र दिया गया है और इस पे लिखा गया है देखिए ईस्वी सन चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी का भारत। तो ये भारत का मानचित्र है और इसको ध्यान से देखिए, यहाँ जो ये आयत बनाया गया है इसमें लिखा गया है गुप्तों का साम्राज्य और आधुनिक भारत। तो गुप्तों का साम्राज्य देखिए भारत में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसका यहाँ पर देखिए चित्र या मानचित्र बनाया गया है। ये जो लाल रेखा देख रहे हैं जहां तक ये काला दिखाई दे रहा है, ये जो है ये गुप्तों का साम्राज्य था। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि गुप्त राजवंश का परिचय किस तरह से इसमें दिया गया है। तो ईसवी सन तीसरी शताब्दी के अंत में उत्तर भारत में गुप्त राजवंश की सत्ता का उदय हुआ था। लगभग 3 शताब्दियों तक गुप्त राजवंश सत्ता में था। गुप्त राजवंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। गुप्त राजवंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विशेष रूप से उल्लेखनीय सम्राट थे। तो समुद्रगुप्त जो थे गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त प्रथम के कार्यकाल में गुप्तों के राज्य विस्तार का आरंभ हुआ था। उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने क्या किया, आसपास के राजाओं को पराजित करके इस विस्तार को और अधिक बढ़ा दिया। उसके कार्यकाल में गुप्त सत्ता असम से पंजाब तक देखिए फैली हुई। उसने तमिलनाडु जो यहाँ है, उसने क्या किया, तमिलनाडु के कांची तक का पूर्व तटीय प्रदेश भी जीत लिया। समुद्रगुप्त के इस विजय अभियान से उसकी सत्ता की धार सर्वत्र बढ़ गई। परिणामतः पश्चिमोत्तर राजाओं और श्रीलंका के राजाओं ने भी उसके साथ मित्रता स्थापित किया, संधि कर ली। प्रयाग के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त का पराक्रम तथा उसके द्वारा पाई गई विजयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह लेख प्रयाग प्रशस्त के रूप में विख्यात है। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो था यह वीणा वादन में प्रवीण था। समुद्रगुप्त ने विभिन्न प्रतिमाओं वाले सिक्के ढाले थे। उनमें एक सिक्का ऐसा था जिसमें वह स्वयं वीणा बजाते हुए दिखाई देता है। उस पर समुद्रगुप्त शब्द अंकित था। तो इस तरह से आपने देखा कि गुप्तों का साम्राज्य किस तरह से भारत में फैला हुआ था। और अब समुद्रगुप्त गुप्त के बारे में हमने परिचय प्राप्त किया थोड़ा सा, अब हम चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे, इसकी जानकारी तो आपको है। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये समुद्रगुप्त का बेटा था। उसने क्या किया, उसने गुप्त साम्राज्य को पश्चिमोत्तर में बढ़ाया। उसने मालवा मालवा देखिए उसने मालवा गुजरात और सौराष्ट्र जीत लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह जो है वाकाटक देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से कराया। वाकाटक यहाँ पर है देखिए। इस तरह दक्षिण की बलशाली वाकाटक सत्ता के साथ संबंध उसने बना लिया। दिल्ली के निकट महरौली में एक लौह स्तंभ है। यह लौह स्तंभ 1500 वर्षों से अधिक प्राचीन है, फिर भी उसमें जंग नहीं लगा है। यह लौह स्तंभ प्राचीन भारतीयों द्वारा तकनीक में की गई उन्नति का प्रतीक है। इस लौह स्तंभ पर अंकित लेख में चंद्र नामक
राजा के उल्लेख आधार पर यह माना जाता है कि यह लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के कालखंड का है। चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में बौद्ध भिक्खु भिक्षु फाहियान चीन से भारत में आया था। उसने अपनी भारत यात्रा का वर्णन लिखा है, उसमें गुप्त साम्राज्य के उत्तम राज्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से ये गुप्तों का साम्राज्य जो था, देखिए, फैला हुआ था। और इस मानचित्र को हमें ध्यान से देखना है। देखिए, पुरुषपुर यहाँ है, हिंदुकुश पर्वत, कश्मीर हो गया, तिब्बत है, नेपाल है, कामरूप, इस क्षेत्र को कामरूप कहा जाता था। यहाँ वाकाटक है, ये है सोपारा है, और ये जो काला दिखाई दे रहा है, ये सब गुप्तों का साम्राज्य है। दिल्ली, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, मालवा है, देखिए प्रयाग है, काशी है, वैशाली है, पाटलिपुत्र, चंपा, बोध गया, ताम्रलिप्ति, बुंदेलखंड, सांची, उज्जैन, बलभी, सौराष्ट्र में यहाँ भरूच है, ये सोपारा है, देखिए सोपारा। और देखिए, ये पल्लव कांची है, चोल है, पांड्या है। इस तरह से यह भारत का जो है मानचित्र है, और यह ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से छठी शताब्दी का यह मानचित्र है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से गुप्त राजवंश का परिचय प्राप्त करिए, जिसमें गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है श्री गुप्त, गुप्त राजवंश का संस्थापक का नाम था श्री गुप्त, और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त जो है इसके ये विशेष उल्लेखनीय सम्राट थे। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप गुप्त साम्राज्य का परिचय प्राप्त करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए और इस मानचित्र का गहन अध्ययन करिए। धन्यवाद सभी को।